फिर आ गई, शनिवार इतवार आया नहीं और आ धमकेंगियाँ। मुझे चैन से मत रहने देना, अब पता नहीं क्या लेकर जाएंगी। उनका तो हर बार का ही हो गया है, मेरी तो अच्छा से अच्छी बीमार हुई। सब कुछ बेटी पर लुटाने को तैयार है, ये नहीं सोचती कि मैं भी हूँ इस घर में। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लग गए? कुछ भी तो नहीं दीदी, कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे या ठंडा लोगे? कुछ नहीं लूँगी भाभी, मैं तो बस मम्मी से मिलने आई थी। सोचा था आज शनिवार है, इनकी छुट्टी है, तो मेरे पीछे से नहीं मम्मी को संभाल लेंगे। अब आपको तो पता है मम्मी की तबीयत ऐसी ही रहती है। हाँ बेटा, पता नहीं तेरे सास का नंबर पहले आएगा कि मेरा पहले आएगा। दोनों जाने को तैयार बैठी हैं। मम्मी आप ऐसे क्यों कह रही हो? भगवान आप दोनों की उम्र खूब लंबी करे। देख लेना, आप अपनी नाती की शादी देख कर जाओगी, इतनी जल्दी बुलावा आने वाला नहीं है आपका। फिर भी दीदी कुछ तो ले लो। भाभी यहीं पास से ही तो आई हूँ, और वैसे भी खाना खाकर ही चली थी मैं। आप ज़्यादा कर रहे हो ना, तो थोड़ी देर बाद चाय बना देना। ठीक है, तो मैं रसोई में हूँ, मुझे काम है, आपको जब पीनी हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ठीक है भाभी। अरे हाँ बेटा, ये है ना, मैंने कुछ साड़ियाँ निकाली थी, कुछ तो मैंने बहू को दे दी, कुछ तू ले ले, मेरी वलम्यारी खा लियो। अब मुझसे तो पहने नहीं जाती ये। अरे तो ठीक नहीं हो गया, जब ठीक होगे जब पहन लेना। अरे बेटा और भी रखी है, अब ये ना भारी साड़ी है, अब मेरे से तो पहनी नहीं जाती, बहुत रखी हैं। देख लेना, जो तुझे ठीक लगे वो रख लेना, ना तो दे देना किसी को, मेरी अलमारी खाली हो। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगी बस। अच्छा मम्मी चलो, आप अपना ध्यान रखना। भाभी जा रही हूँ मैं। चल दे दीदी। हाँ हो गया सामान पैक, अब तो जाओगी। कुछ कहा भाभी आपने? मैं तो बस यही कह रही थी कि आप अभी तो आए थे और अभी चल दिए। मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगी भाभी, और वैसे भी भाभी बातें तो कितनी भी कर लो, पेट थोड़ी भरता है। अच्छा मम्मी चलो। ठीक है बेटा। अच्छा भाभी चलते। ठीक है दीदी। मैं तो सोच रही थी इस सैटरडे को आई नहीं है तो आएंगी नहीं, मगर चलो अच्छा है, कम से कम इस हफ्ते तो छुट्टी मिली, नहीं तो हर हफ्ते आके धमक जाती हैं। पर मुझे क्या पता थी ये आ जाएंगी। ये नहीं है कि एक हफ्ता चैन से रहने दे मुझे, हर हफ्ते आकर बैठ जाएंगी। इस बार पता नहीं क्या लेकर जाएंगी। माँ भी ऐसी है। और भाभी क्या बना लिया आज? दाल चावल बनाए दीदी। कहो तो पहले खाना लगा दो, चाय मैं बाद में बना दूंगी। थोड़ी देर में खाऊंगी भाभी, आज पता है पैदल आई हूँ, सोचा पैदल चलूँ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। पर सही बताऊँ हालत खराब हो गई, सांस चढ़ गया मेरी तो आज बुरी तरह। सही बात है बेटा, घूमना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है तो दीदी, जब आपको खाना हो तब बता देना। अब आप दोनों माँ बेटी बात करो, मैं जरा काम निपटाया हूँ अपना। ठीक है भाभी। देख बेटा ये सेट कह रही थी मैं, अब तू रख लेना इसे, ले जाना। चलो यहाँ का काम तो नहीं बढ़ गया, अब पूछूं दीदी से, नहीं तो फिर कहेंगी इतनी देर होगी भाभी ने कुछ पूछा भी नहीं खाने की।
अब बेवजह माँ बेटी का मुंह बन जाएगा। नहीं मम्मी, मैं ये नहीं ले सकती। नहीं ले सकती? क्यों, मैं दे रही हूँ ना। पर मम्मी भाभी को अगर, अरे वो कौन होती है, मेरी चीज मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचा कर। नहीं मम्मी, ये मैं नहीं ले सकती। इन गहनों पर मेरा नहीं, भाभी का हक है, वही इनके असली हकदार हैं। मम्मी भाभी इस घर की बहू है। मम्मी कपड़े और सामान तक तो ठीक था, पर गहने, नहीं मम्मी मैं नहीं चाहती इन गहनों की वजह से मेरा और भाभी का रिश्ता ख़राब हो। मम्मी मैं नहीं चाहती भाभी के मन में मेरे लिए कड़वाहट हो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपके बाद मेरा और भाभी का रिश्ता अच्छा ही बना रहे। मैं जब भी घर में आऊँ, तीज त्यौहार, शादी पार्टी, हम जब भी एक दूसरे से मिले तो खुश होकर मिले, ना कि कड़वाहट के साथ दुखी मन से मिले। ये हार आप उन्हीं को दे देना। मैं तो दीदी को कुछ और ही समझ रही थी, पर ये तो दिल की बहुत अच्छी निकली। तो सही कह रही है बेटा, मैं बेटी के मुंह में आ गई थी, पर मैं ये भूल गई मेरी एक बेटी इस घर में भी तो है। तू सही कह रही है, कई बार बच्चे बड़ों से भी ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, जैसे तू। तू सही कह रही है, इस हार पर तेरी भाभी का ही हक है, वही इसके असली हकदार है। ले भाई, हमारी तो लॉटरी लग गई बैठे बेटा, मैं तो चांदी चांदी हो गई, नहीं सोना ही सोना हो गया, मजे आ गए। भाभी आई? दीदी हाँ बोलो दीदी। भाभी मम्मी आपको एक तोहफा देना चाह रही है। तोहफा? बेटा ये सोने का सेट रखा था मेरे पास, इसे अब तू रख ले, मेरी ये जिम्मेदारी भी खत्म हो। मम्मी जी बाद में ही दे देते। बेटा मैंने निकाल के रख दिया था, अब तू अपने पास संभाल के रखना इसे। बेटा इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है, और तुझसे अच्छा ये घर वाला कौन संभाल सकता है।